तो राम राम जी सब ने इंडिया वर्ल्ड ब्लॉग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है भाई। उम्मीद करते हैं सारे लोग बढ़िया होंगे भाई, और स्वागत है आपका एक नई नई वीडियो में। तो भाई आज टोचन के भाई एक थोड़ा सा एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है वो करके देखते हैं। वो एक्सपेरिमेंट मैं अपना दिखा दें तो है अपनी यह गाड़ी है प्लेटिनम 125 और अपना एक ट्रैक्टर है सोनालिका DI-60। तो इस गाड़ी तेज से ना खिंचवा के देखेंगे भाई। भाई वेट का फर्क काफी है इसमें, बाइक में आवा है 1.5 क्विंटल और इसमें आवा है 23 क्विंटल, तो डिफरेंस के रहेगा आज वो अपने पूछते हैं। ये अपनी गाड़ी खींचेगी इस पर या ना खींचती, मैं दिखाना चाहूंगा यो है। तो चलो भाई पूछते भाई थे क्या होगा। हाँ भाई बताओ गाड़ी खींच सकती है या ऐसा ना या ना? मुश्किल है ये 25 क्विंटल 24 क्विंटल का वजन है, मुश्किल है घरों में तो ना खींच पाओ। अच्छा फिर भी थोड़े बहुत चांस है। हाँ नेका तो मालूम पड़े ढक जाए तो अच्छी बात है, पर मुश्किल लग रहा फिलहाल तो। तो बाकी के सिस्टम देखते हैं रोड पे जाके क्या रहता है। तो भाई अगर वीडियो पसंद आए तो भाई वीडियो ने लाइक कर देना, चैनल ने सब्सक्राइब कर देना और लास्ट तक वीडियो में बने रहना भाई, कोई भी पार्ट मिस ना करना। और भाई और किस तरह बांधेंगे वो भी हम अपने वीडियो में दिखाते रहेंगे, लेकिन फिर अभी चलते हैं भाई अपने रोड पे, उसके बाद में सिस्टम पता लगेगा क्या होना कैसा चल लेगा कितना खींचा कितना ना खींचती देखते फिर। तो भाई अब अपना ट्रैक्टर चाल दिया अपने रोड पे, तो अपनी गाड़ी में हम लेके आवे हैं। तो भाई मिलते हैं अगली वीडियो मतलब इसी वीडियो। अभी टाइम है बता भाई कौन सा जीत सके है। अभी तो भैया मोटरसाइकिल फेल लग रही है मुझे तो, और आगे की पता ना कहा हुए भाई। ये हमारी टोचन है जिससे जॉइंट करिए गाड़ी, बैठ भाई। ये भाई ड्राइवर है मोटरसाइकिल वाला भाई। इब भी टाइम है बताओ कौन सा जीत सके है। के लग गया है अभी तो मोटरसाइकिल फेल लग रही है। रविया बताओगा, रविया रविया बताओ कौन सा जीत सके है, गाड़ी जीतेगी या ट्रैक्टर? ट्रैक्टर ही जीतेगा। चलो भाई वो भी देखते हैं तो मालूम पड़ा जीते। चलो भाई देखते हैं या गाड़ी 125 cc में भाई अपनी, और जो ट्रैक्टर है वो 3000 cc में। 3400 3700 cc में भाई सॉरी, या 125 cc या है 3700 cc। तो भाई देखते हैं क्या रहेगा। और वेट बता दूं मैं अपने इसमें भाई, जो वेट है वह 23 क्विंटल है, और 23 क्विंटल और भाई 1.5 क्विंटल में घना डिफरेंस है। और फिर देखते हैं क्या रिस्पॉन्स रहना है। तो भाई वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल ने सब्सक्राइब कर देना। और भाई ये सिर्फ अपनी मनोरंजन खातिर वीडियो बना रहे हैं, वैसा कोई चिड़बाजी कुछ ना है, सारा कुछ अपने बात है। देखता भाई क्या रहेगा रिस्पॉन्स। अब देखते हैं खींच के, गाड़ी स्टार्ट कर ली है हमने। रस्सी टूट गई भाई। भाई गाड़ी आगे से उठ रही है बहुत, क्योंकि गाड़ी में आगे वेट कम पड़ रहा है इसलिए उठ रही है आगे से। भाई रस्सी टूट गई, बेल्ट बना लियो। चलो पहले इंजन दिखा दे, बाको चालू है बंद है, और धक्का भाई दिखा दिए पल्ली साइड से, कोई धक्का में तो ना। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये तो एक ट्रैक्टर बिल्कुल बंद है, ना ही इंजन इसका इंजन चालू है और ना ही कोई धक्का मार रहा है इसमें। आगे से आपको पूरा दिखा देता हूँ, केबल और केबल बस एक गाड़ी में अटैच किया गया है। तो देख सकते हैं आप ये ट्रैक्टर खींच चुका है। ज्यादा मत कह जियो, रुक तो जा, रुक ना। माथे माथा खींच के आ चुका है ट्रैक्टर भाई। भाई रस्सी थोड़े एक साइड में दी है, कोई बात ना, कोई ढलान है ना कुछ है। देखो सिंपल रास्ता है एकदम, ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है भाई। ना ही इसमें कोई धक्का मार रहा है, ना ही कोई अटैचमेंट है, बस केवल और केवल मोटरसाइकिल बाइक लगी हुई है प्लेट में 125 cc में। अब देख सकते हैं आप, देखो किस तरह से ट्रैक्टर ढक के आ रहा है।
बाइक का बैलेंस नहीं बन पा रहा है, इस वजह से थोड़ा इधर उधर हो रही है, तो बाइक ने ट्रैक्टर खींच दिया है। कोई वीडियो इंटरेस्टिंग ना ही किसी ने बनाई ऐसी पहले, और ना ही कोई कर सकता है ऐसे, मतलब कर तो सकता है पर किसी ने करके नहीं देखा आज तक। बस बंद कर।